हाय फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीआर। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल पीसीआर का जो फिनोमिना क्या है, किसी भी जैसे मान लो कि हमारा कोई डीएनए को सीक्वेंस करना है, ठीक है, या कोई भी डीएनए को एम्पलीफाई करना है, कोई बहुत सारी चीज़ में पीसीआर का यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस की बात करूँगा जो पीसीआर में सिंपल पीसीआर है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन किए गए और उनको अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। और उसमें से आज मैं बात करूंगा इन्वर्स पीसीआर पे। तो पहले हम बता देते हैं कौन कौन सी पीसीआर है। जैसे हमारे पास है आरटीपीसीआर, इन्वर्स पीसीआर, इसके बाद हमारे पास है ऑर्डिस्टा पीसीआर, ठीक है, जीन स्वैप पीसीआर होती है, जीन स्वैप पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर और डिफरेंट टाइप की पीसीआर होते हैं कि वो आरटीपीसीआर भी होती है, ठीक है। तो इसमें से मैं बात करूंगा इन्वर्स पीसीआर पे। तो इन्वर्स पीसीआर का जो फिनोमिना है इसमें क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा होगा इन्वर्स कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे इन्वर्स पीसीआर की, तो क्या होता है इसमें। जैसे मान लो ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है, लेकिन मुझे क्या है इसमें जो बिटवीन द सीक्वेंस है ये तो मुझे सीक्वेंस नोन है, लेकिन इसके साइड में जो प्रेजेंट है ये मुझे सीक्वेंस नोन नहीं है। तो इस सीक्वेंस को जानने के लिए, या मान लो जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हमारी बॉडी में ट्रांसपोजोन्स होते हैं, ट्रांसपोजोन्स हमारी बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप कर जाते हैं, एक जीनोम साइट से दूसरी जीनोम साइट पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जहां पे हमारा जीन ट्रांसपोजोन जंप करके इंसर्ट हुआ है उसके साइड में जो जीन का सिक्वेंस है उसको कैसे पता करेंगे, तो इसमें हम यूज करते हैं इन्वर्स पीसीआर। जैसे मान लो हमें ट्रांसपोजोन का तो सिक्वेंस पता है कि क्या है, लेकिन उसके साइड में क्या क्या सिक्वेंस है मुझे नहीं पता, इसमें तो हम यूज करते हैं इन्वर्स पीसीआर। जैसे मान लो इसका हमें सीक्वेंस यहाँ पे नोन है और ये सीक्वेंस हमारा अननोन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम करते हैं रिस्ट्रिक्शन डाइलेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन डाइलेशन करते हैं। तो जैसे ही हम इसका रिस्ट्रिक्शन डाइलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साइड में रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्टिकी एंड बन जाएंगे, और स्टिकी एंड बन जाएंगे तो यहाँ पे ये लाइगेट कर जाएंगे, इनको सेल्फ लाइगेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। जब जैसे मान लो यहाँ पे काटा, ठीक है, उसने और यहाँ पे काटा, ठीक है, यहाँ पे काटा, तो ये क्या होगा, सेल्फ लाइगेट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड लाइगेशन स्टेप होगी यहाँ पे, ठीक है, लाइगेशन। तो ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तो हमारा क्या था, नॉन सीक्वेंस था ये वाला, मान लो ये हमारा यहाँ पे नॉन सीक्वेंस इतने बीच में, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा बाइंड हो गया रिस्ट्रिक्शन साइड वाला, ये बाइंड हो गया यहाँ पे, तो ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हमें नॉन सीक्वेंस यहाँ पे ये सीक्वेंस हमें नॉन है तो इसके अंदर से प्राइमर बना लेंगे, तो इसके प्राइमर हम बना लेंगे, ठीक है। जब प्राइमर बनाएंगे तो प्राइमर क्या करेंगे, इसको एम्पलीफाई कर देंगे, ठीक है। जब एम्पलीफाई कर देंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद सिंपली पीसीआर रिएक्शन चलने लगती है, इनका एम्पलीफिकेशन होने लगेगा। जब एम्पलीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसर मशीन्स का यूज करके इनका सीक्वेंस हम पता कर लेते हैं, क्योंकि इसका तो सीक्वेंस हमको पता है, इसको हम एम्पलीफाई कर लेंगे बाद में इसका सीक्वेंस पता लग जाएगा। बात यह थी कि हम इसको कैसे एम्पलीफाई करें, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस पता है, इसको मैंने एम्पलीफाई कर लिया, ठीक है, बाद में हमको पता लग गया क्योंकि ट्रांसपोजोन का तो सीक्वेंस हमें पता है, उसके बाद हम इसका डिफरेंट टाइप ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स टूल टेक्निक्स का यूज करके हम इसका भी सीक्वेंस पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इन्वर्स पीसीआर का यूज होता है, इसको एम्पलीफिकेशन एम्पलीफाई करने के लिए यूज होता है, क्योंकि
यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कंटेंट तो हमारे पास कम है ठीक है, लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पे हम प्राइमर डायरेक्ट लगा नहीं सकते इसको एम्पलीफाई करने के, क्योंकि सीक्वेंस नोन नहीं, इसका सीक्वेंस नोन है, अगर हम यहाँ पे प्राइमर ऐसे लगाएंगे ठीक है तो क्या होगा, ये रीजन एम्पलीफाई होगा तो रीजन एम्पलीफाई नहीं होगा ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं जिससे ये सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसका हम प्राइमर लगा के इसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं। तो यही है हमारी इन्वर्स पीसीआर। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।